सजदो मैं तुझको मांगू मन्नते तेरी उतारू माही। पापा किसी भी तरह करके शादी रख पाए। क्या क्या कह रही हो? पापा बस अभी के लिए इसको रुकवाए। बेटा ये कैसे हो सकता है? कैसे क्यों रुकवा दे? दानियल कहाँ है? नहीं दानियल से बात हुई थी, वो किसी मसले में फंस गया, आज नहीं आ सकता। सादिया, अरे सादिया रुको तो, सादिया रुको तो सही यार, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? देखो बात सुनो, निकल से पहले इस तरह जाना ठीक नहीं है। अंकल क्या सोचेंगे, लोग बैठे हैं वो क्या सोचेंगे? मुझे किसी की परवाह नहीं, जिसको जो सोचना है सोचता रहे, हटो। रिक्शा। अरे सादिया जिंदा हूँ। तुम आराम से बात नहीं कर सकती? हम बात करते ही कब हैं शेरी, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारे जुल्म सहके इतनी ढीठ हो गई हूँ कि इतनी आसानी से मरने वाली नहीं। अगर ये सब ड्रामा तुमने दानियाल की शादी को रोकने के लिए किया ना, तो बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। दानियाल का अच्छा बुरा तुम मुझे ही सोचना दो, तुम इस मामले में कुछ ना ही बोलो तो बेहतर है। क्यों ना बोलो, बाप हूँ उसका। सीरियसली तुम बाप हो उसके? शर्म तो नहीं आती तुम्हें ये बात करते हुए? आखिर तुम पुरानी बातें भूल क्यों नहीं जाती? क्यों उखाड़ती हो गड़े मुर्दे? इज्जत करता है तुम्हारी, प्यार करता है तुमसे। तुम्हारी असलियत पता चल गई तो छोड़कर चला जाएगा तुम्हें। तुम भी तो यही चाहते हो ना शेरी, कि दानियाल मर जाए। आज तुम बहनों ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं एक नाकाम बाप। मैंने अपनी मर्जी तुम पर मुसल्लत की है, फराइज नहीं अंजाम दे पाया। मैंने वो मोहब्बत तुम्हें नहीं दी जो कि मुझे देनी चाहिए थी। ऐसा ना कहे अब, मुझे कहने दो कुफरा, कहने दो। अगर खुदकुशी हराम ना होती तो मैं अपने हाथों से अपनी जान ले लेता। लोग ये कहते कि कमाल ने रुस्वा होने के डर से अपनी जान ले, उनको ये पता ना चलता कि तेरे मरने की वजह ये है कि मैं बेटियों के हाथ हार गया। हार गया आप जैसा कहेंगे जिससे कहेंगे मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। तैयार हूं। लीजिए। एक दिन आएगा जब मेरे घर के बाहर भी लिखा होगा फजल वैक्स मशरूम। उसके लिए आपको भाई जैसा इश्क करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब मेरी मोहब्बत पे शक है आपको? बिल्कुल, आपके ख्वाबों में आती हूँ। ख्याल से जाएंगी तो ख्वाब में आएंगी ना। अच्छा जी, तो भाई के साथ रह के उनका रंग भी चढ़ रहा है आपको। फजल जल्दी पता करें कहाँ रह गए ये लोग, इतना टाइम हो गया। अरे भाई, जितना जल्दी ये कर सकता था उसने कर दिया है, अब इससे ज्यादा का मूड नहीं है उसका। ठीक है, पर फिर भी पता तो करें, बहुत देर हो गई है। बस इतना ठीक है ना? अच्छा तो लग रहा है। Thank you.
अरे बेटा बिन माँ के पली से नाज नखरा थोड़ा ज्यादा है, अगर कभी को गलती हो जाए तो उसको दरगुजर करते हैं। ऐसी बातें कर रहे हैं आप चाचा, कोबरा को बहुत खुश रखूंगा। बेटा एक बाप सारी जिंदगी अपनी इज्जत अपना गुरूर अपना मान संभाल के रखता है, लेकिन जिस दिन उसकी बेटी इज्जत से रुखसत होती है उस दिन वो आंखें भर आती है। इज्जत और गुरूर तुम्हारे हवाले कर रहा हूं बेटा, भरोसा रखिए चाचा, आपकी इज्जत आपके गुरूर आपके मान का पूरा ख्याल रखूंगा खुद से ज्यादा। बेटा मैंने सोचा था कि तुम्हें ढेर सारी दुआओं में सादिया प्लीज खुद को संभालो, इस तरह रोने चलाने से कुछ नहीं होने वाला। नहीं बाबा, चीखने चिल्लाने से सब कुछ होता है। कुबरा जब छोटी थी ना, चीख चीख के अब्बा को जो चाहिए होता था उन्हें मना लेती थी, और अब्बा कहते थे छोटी बहन है जो मांग रही है दे दो, और मैं हंसते मुस्कुराते उसे अपना सब कुछ दे देती थी। पर उसने तो मुझसे मेरा गालिब भी छीन लिया। बाबा गालिब तो एक ही है ना, दूसरा तो कोई गालिब है ही नहीं। पर मैं उसे अपना गालिब ले जाने नहीं दूंगी, नहीं ले जाने दूंगी। खुदा के वास्ते उसे भूल जाओ, आज उसकी शादी हो गई है। मेरे मसलों से तुम दूर ही रहा करो। क्यों क्यों ना बोलूं तुम्हें कुछ, शौहर हूं मैं तुम्हारा, शादी हुई हमारी। नहीं मानती मैं उस शादी को, नहीं मानती मैं उस शादी को, वो सिर्फ एक समझौता था और कुछ नहीं। सादिया आखिर कब तक उसकी मोहब्बत में खुद को जकड़ के रखोगी तुम, अब वो कुबरा का शौहर है। नहीं मानती मैं उनकी भी शादी को, वो जबरदस्ती कराई गई है। और तुम्हें क्या जरूरत थी मेरे अब्बा के सामने अपना दुखड़ा रोने की। सादिया देखो, तुमने प्यार किया ये गलत नहीं है, पर तुम शादी के बाद भी मेरी जगह उसे अपने दिल में रखी हुई ये बात बहुत गलत है। गलत है तो छोड़ के नहीं देते हो मुझे। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, आखिर तुम मेरी बीवी कब बनोगी, कब उसके बारे में सोचना छोड़ोगी तुम। कभी नहीं। मुझे तो बर्बाद करके तुम्हें सुकून आया नहीं ना, जो अब कुबरा को बर्बाद करने के लिए चली हो। कुबरा को बर्बाद होना ही पड़ेगा, बल्कि अब जो भी मेरे और गालिब के बीच में आएगा उसकी किस्मत में सिर्फ और सिर्फ बर्बादी और कुछ नहीं। Thank you.
जाने से पहले बहन का हक अदा नहीं करेंगे? चले निकाले। जेबें खाली है मेरी भाई। मैं कुछ नहीं जानती, अगर मुझे पैसे नहीं मिले ना तो पूरी रात यहीं खड़े रहिएगा। सच दो मैं तुझको मांगू, मन्नते तेरी उतारू माही। सच दो मैं तुझको मांगू, मन्नते तेरी उतारू माही। भाई आप खुश है ना? हाँ। फिक्र नहीं करें, मैं अम्मी को मना लूंगा। चले हम जल्दी से ये पिए। एक सेकंड। फजल और अम्मा? अब फजल बाहर गाड़ी पार्क कर रहे हैं और अम्मा अम्मी के साथ हैं। भाई आप फिक्र नहीं करें, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। और आपने जिस तरह शादी की है वो बहुत बड़ा काम है, और शादियां साथ किसी भी तो होती है ना। ऊपर जाके कमरा देखिएगा, मैंने सजवाया, बताइएगा कैसा लगा। कुबरा को घर में भाई सब सही होगा इंशाल्लाह। चले दूध पिए। नहीं आप नहीं पियेंगे, आप ऐसे छोड़ देंगे। हो गई तेरी मुराद पूरी भाई। अरे 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 इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? जाने से पहले बहन का हक अदा नहीं करेंगे? करो भाई करो। चले निकाले। अरे जेबें खाली हैं मेरी भाई, तेरे हक पूरे नहीं हुए अभी तक। मैं कुछ नहीं जानती, अगर मुझे पैसे नहीं मिले ना तो पूरी रात यहीं खड़े रहिएगा। अरे यार क्यों जुल्म कर रही है बेचारे के ऊपर, जाने दो। पैसे निकाले चलो। अच्छा काम कर तू, फजल से ले ले, मैं बाद में दे दूंगा, मैं तुझे दे दूंगा। भाई उनसे तो मुझे सारी जिंदगी पैसे लेने हैं, लेकिन आपसे मुझे अभी और इसी वक्त चाहिए। चले निकाले। दे दे तू, तेरे पास है, लो और खुद अपने हाथ से दो। ले मेरी माँ, ये ले, अब जाऊं। अस्सलाम वालेकुम, जाइए। चल टाटा। चले आओ हम जी। फजल और मुश्किल तुम्हारी बर्बादी, जिसे तुम खुद घर लेकर आए। तुम्हें क्या लगा था कि तुम कमरे में आओगे तो तुम्हें तुम्हारी सजी सजाई दुल्हन मिलेगी, जिसका तुम प्यार से घूंघट उठाओगे और फिर उसे प्यार और मोहब्बत भरी बातें करोगे? घूंघट नहीं, तकिया उठाओ, निकलो इस कमरे से। क्यों कर रही हो ये सब? तुम बोलो ना क्या चाहिए। तलाक, तलाक दो।
दो अभी दो। क्या कह रही हो? अरे दादी अभी मर जाएंगे सर, मेरी कसम खाई है, मैं मरता मर जाऊंगा, लेकिन लेकिन उनकी इज्जत पे आंच नहीं आने दूंगा, ना कर सकते। ये जो तुम सबने मिलकर मेरे साथ ड्रामा किया, ये जो तीन अल्फाज कहलवाए हैं मुझसे, ऐसे ही तीन अल्फाज में तुमसे कहलवाऊंगी तलाक के। तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगी कि तुम खुद मुझे तलाक दोगे, तुम्हारे घर वालों को इतनी अजियत दूंगी कि मेरी अजियतों के आगे उनको उनकी मौत की तख़ीब भी आसान लगेगी। फिर तुमने कुबरा का सिर्फ बचपना देखा है, बेवकूफी देखी है, अब अपनी बर्बादी के लिए तैयार हो जाओ, तब आ करूंगी अब मैं। बस 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 बस, तुम्हें पता है हाँ, जो कुछ हुआ मेरे हाथ में नहीं था, वो सब जिम्मेदार तो तुम थे ना। वैसे तुम जो चाहते थे वो तो हो गया, कुबरा से शादी। नफरत करती हूँ मैं तुमसे। अरे ये शक्ल तो नफरत के लायक भी नहीं है, औकात ही नहीं है तुम्हारी कि तुमसे नफरत भी की जाए। अम्मा ये चाय आपके लिए। आज का दिन बड़ा भारी था। अम्मा मुझे बहुत घबराहट हो रही है, भाई की बहुत फिक्र हो रही है, मुझे पता नहीं है ये कुबरा क्या करेगी। गालिब ने अपने लिए ये रास्ता खुद ही चुना, मगर मुझे यकीन है कि गालिब की मोहब्बत कुबरा की नफरत पे गालिब आएगी, उससे मोहब्बत और नफरत की जंग। मगर गालिब इंशाल्लाह जरूर सरकार होगा, गालिब को ये महाज खुद ही सर कर लेने दो, इंशाल्लाह वो सर करेगा, तुम फिक्र ना करो। इंशाल्लाह तुम्हें जो करना है तुम करो, अरे ये मेरे घर वालों से दूर रखो सब। हैं क्यों, तुम्हारी लगाई आग में तन्हा मैं क्यों जलूं? तुम भी जलोगे इसमें, ये सब जलेंगे इसमें, और तुम्हें ये सब कुछ पहले सोचना चाहिए था गालिब। अब तो इस अजियत से तभी छुटकारा हासिल होगा जब मुझे तलाक दोगे। मोहब्बत की इतनी बड़ी सजा तो मत दो कुबरा। सबने मिलके मुझे मेरे धन्याल से दूर किया है, तड़पाया है, तुम सब तड़पोगे। अरे धोखा दिया उसने, वादा करके नहीं आया, वो अस्पताल में थी उसकी माँ। अच्छा धन्याल की माँ अस्पताल में है, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मुझे उसके पास जाना चाहिए। पागल हो? हो गई हूँ मैं पागल, हो गई हूं मैं पागल, अकेला है वो मुझे याद कर रहा होगा, मुझे ढूंढ रहा होगा, मुझे जाना चाहिए उसके पास। और खबरदार तुमने मुझे रोकने की कोशिश की, चिल्ला चिल्ला के पूरा घर इकट्ठा कर लूंगी, फिर देते रहना सफाइयां। ऐसा कुछ नहीं करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा, ऐसे नहीं करो, तुम्हें उससे मिलना। वो क्या है? वो दानियाल से मिलना, मैं मिलूँ, मैं मिलाऊंगा तुम्हें जब कहो। तुम्हें जहां मिलना होगा, जिस वक्त मिलना होगा, मैं पर उसको यहां ना बुलाना, तो मर जाएगी दादी बाजी से। क्या क्या किए हैं ये?
तुम शादी कैसे कर सकते हो? कैसे कर सकती हो कुबरा शादी? जब मैंने कहा था मेरा इंतजार कर लो, मैं आके सब कुछ संभाल लूंगा, तो क्यों नहीं किया? मेरा मजबूरी थी मेरी। दानियाल, अगर उस वक्त मेरी शादी ना होती तो अब्बा का जनाजा होता उस घर। मेरी माँ भी हॉस्पिटल में थी, उसका सोच रही थी क्या गुजरती उसके दिल पे। सोचा था मैंने उनका। रहने दो, सोचा था तुम। मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो? बोलो। मेरी मजबूरी थी, लेकिन मेरा तुमसे वादा है, मैं गालिब से तलाक ले लूंगी। अब्बा की इज्जत का ख्याल ना होता तो कभी ये शादी ना करती। बस उनकी इज्जत का सोचते हुए मुझे ये सब करना पड़ा। क्या जवाब देती मैं दुनिया को? बोलो। दुनिया को? ये तुम्हारे मेरे बीच में दुनिया कब से आ गई? तुम्हारे मेरे बीच में सिर्फ मोहब्बत थी कुबरा, ये दुनिया कहाँ से आ गई? नहीं आया कोई हमारे बीच में, कहा ना, ना ही कोई आएगा। हम यकीन करो, हम फिर से एक हो जाएंगे। हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। एक बात और से सुन लो कुबरा, मोहब्बत में तुमने आशिकों को जान देते देखा होगा, लेकिन ये आशिक जान ले भी सकता है। तुम्हारा दामाद खुद कई दफा मेरे रेस्टोरेंट में तुम्हारी बेटी को लेकर आया उसके आशिक से मिलाने के लिए। तुम्हारी बात में जरा बराबर भी सच है? आज उन तीनों की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। सजदो मैं तुझको मांगू, मन्नत तेरी उतारू माही। सजदो मैं तुझको मांगू, मन्नत तेरी उतारू माही। अरे चचा, आप इज्जत की क्या जरूरत थी? अरे बेटा, शादी के दूसरे दिन नाश्ता जो है वो बेटी के मैके से ही आता है। आइए आइए। अम्मी, सलाम अलैकुम। अम्मा। वालेकुम सलाम। जीते रहो। बेटा, ये कुबरा कहाँ है? बुशरा, अम्मी, गर्मी बहुत है बाहर, है ना? देखिए ना चाचा है। भाई, आखिर बेटी की मोहब्बत खींच लाई तुम्हें। अरे अम्मा, ऐसी बात नहीं है, बेटी से पहले तो आपकी मोहब्बत है, और वैसे भी आप मेरे लिए बहुत मोहतरम। क्यों ना हो कमाल भाई, आपकी जन्नत माँ जी के कदमों के नीचे ही तो है। फिरदौस, इसी लालच में ये कभी कभार पूछ लेता है मुझे। अरे नहीं अम्मा, ऐसी तो बात नहीं है ना, जो सच है सो सच है। अच्छा, वो कुबरा कहाँ है? यूनिवर्सिटी गई है। आज के दिन? वो तो जा ही नहीं रही थी, मैंने जबरदस्ती भेजा, पेपर से ना फेल हो जाएगी। नहीं। अरे अगर वो सारी जिंदगी इसी तरह पढ़ती रही तो अपने बच्चों को कब पढ़ाएगी, हैं? भाई, ये रहा तुम्हारा सूट, और भाभी को बोलना कि इस मर्तबा कोई शिकायत नहीं। गालिब, क्या हो गया? सब ठीक हो जाएगा यार, इतना परेशान मत हो। देखो, जानते तो हो कुबरा भाभी की शादी किन हालात में हुई है, वो बात किसी से ढकी छुपी तो आई नहीं ना। हाँ? अच्छा ही बताओ, भाभी को पसंद क्या है? फूल और आइसक्रीम। बस तो ठीक है, यही ले जाओ। भाई, लड़कियों को तोहफे तहाइफ ज्यादा पसंद होते हैं, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन
माजरत के साथ, बुशरा को भी यही सब कुछ पसंद है और मैं करता हूँ ये सब कुछ। मैं तो परेशान हूँ, वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। सुन रहा है ना? ये कौन सा वक्त है यूनिवर्सिटी से वापस आने का? एक तो मोहतरमा शादी के दूसरे दिन बिना बताए उठा के यूनिवर्सिटी चली गई और इस वक्त वापस लौटी। वो दादी 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 ये मेरे साथ थी ना, हम घूमने गए थे थोड़ा, तो देर हो गई। आप ठीक हैं? ये जो सब नीचे हुआ है ना, मत समझना कि कोई एहसान किए तुमने मुझ पे। तुम ना आते तो मैं बताने वाली थी दादी को दानियाल का। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ ना करना, मैं मना कर दूंगा सब। सवाल ही नहीं करेंगे तुमसे आज उनके बाद। इस घर में खामखाम में मेरी थी बेइज्जती कर दी उन्होंने। क्या है ये, क्या छुपा रहे हो? ये फूल और आइसक्रीम। हाँ पसंद है ना तुम्हें? बहुत पसंद है मुझे, लेकिन हर एरे गरे के हाथ से नहीं। और तुम ना मेरी बात सुनो, आइंदा ऐसी कोई हरकत मत करना कि मैं कोई ऐसा वैसा कदम उठाऊं जिस पर सारी जिंदगी तुम्हें पछताना पड़े। हेलो, तुमसे मिलने का दिल कर रहा है इस वक्त? कल सुबह मिलते हैं ना? नहीं मुझे अभी मिलना है। अभी? अच्छा देखती हूँ, करती हूँ कुछ। खुदाफ़िज़। वालेकुम अस्सलाम। कहीं जा रहे हो बेटा? हम चाचा की तरफ जा रहे थे उसको लेकर, सोचा वापसी पे कुछ खाना वाना खाएंगे बाहर से। तो जाओ जाओ बेटा जाओ, अल्लाह ताला तुम लोगों की जोड़ी सलामत। आना थोड़ा बहुत बच जाए तो अपनी इस कमजोर लाचार बहन के लिए भी ले आए। अरे ले आऊंगा कैसे, चल आई आई मैं। ओके अल्लाह हाफिज़। अरे
सलाम अलैकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आइए आइए। बुशरा बिल्कुल ठीक। कमाल भाई सलाम अलैकुम, आइए आइए। वालेकुम अस्सलाम। और ये गालिब और कुबरा कहाँ हैं? वो नहीं आए आपके साथ? कुबरा और गालिब मेरे साथ? अरे भी कुबरा से बहुत दिन हो गए, मुलाकात नहीं हुई थी तो उसकी याद सता रही थी। मैंने कहा चलो मैं खुद ही जाकर मिला आता हूँ। और अब तुम मुझसे पूछ रही हो कि कुबरा और गालिब कहाँ हैं? लेकिन वो लोग तो कहकर गए थे कि आप ही की तरफ जा रहे हैं। हमारी तरफ? लेकिन उधर तो कोई भी नहीं आया। आपकी तरफ नहीं गए तो आखिर ये लोग गए कहाँ? अरे नई नई शादी हुई है, गए होंगे कहीं घूमने। अब हर चीज आप लोगों को बता के थोड़ी जाएंगे। अरे बेटा वो तो ठीक है, लेकिन इसमें झूठ बोलने वाली कौन सी बात है? अगर वो हमारी तरफ गए हैं तो फिर मैं चलता हूँ, ये ना हो कि वो उधर पहुँचे और मैं यहाँ पर। अरे कमाल भाई चाय तो पी कर जाएं। अरे फिर सही, फिर सही। अरे यार कमाल, अच्छा हुआ तुम आज यही मिल गए। अरे आओ फरीद, बैठो 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 बैठो। क्या लोगे, चाय ठंडा? नहीं यार वो किसी चीज की जरूरत नहीं है। वो तुमसे एक बात कहनी थी। हाँ तो कहो। देख कमाल, मेरी बात का बुरा मत मानना। वो कल तुम्हारी बेटी मेरे रेस्टोरेंट में किसी गैर मर्द के हाथ में हाथ दिए बैठी थी। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जो अपनी गंदी जुबान से मेरी बेटी का नाम भी लिया तुमने। कमाल मुझ पे गुस्सा करने से पहले तुम जाकर अपने दामाद से पूछो जो पूरे शहर में तुम्हारी इज्जत नीलाम करता फिर रहा है। क्या तुम्हारा दामाद खुद कई दफा मेरे रेस्टोरेंट में तुम्हारी बेटी को लेकर आया उसके आशिक से मिलाने के लिए? तुम्हारी बात में जर्रा बराबर भी सच है? आज उन तीनों की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। देख कमाल, दोस्त होने के नाते मेरा फर्ज था तुझे बताना, वो मैंने बता दिया। अब जो तेरा दिल चाहे वो तू कर। क्या हो गया, इतना गुस्से में क्यों हो? क्या हुआ? ये कुबरा कहाँ है? क्या हुआ चाचा, क्यों चला रहे? ये बताओ कि कुबरा कहाँ है? यूनिवर्सिटी